जो भाई बहन चैनल से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, मेरे सभी वीडियो देखते हैं, रेगुलर मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, वो भाई बहन मेरी कुछ बातें सुनकर थक गए होंगे, क्योंकि कुछ बातें मैं मेरे सभी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ, बार बार शेयर करता रहता हूँ। पहली तो ये बात शेयर करता हूँ कि आपके जीवन में जो कुछ दुख आ गया है, जो कोई परेशानी है आपकी, तो आपके दुख को आप शेयर ना करें, सभी लोगों को आपका दुख ना बताएं, क्योंकि दुख को शेयर करने से दुख कम नहीं होता है, दुख बढ़ता है। दूसरी एक बात शेयर करता हूँ कि आपकी आने वाली कल कैसी होगी, आने वाली कल को आप आज बनाते हैं। आज क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आज आपने जो सोचा है आने वाली कल वैसी ही होगी। दोस्तों, हम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता है, हम हमारे भाग्य को संवार अवश्य सकते हैं। दुख को क्यों शेयर नहीं करने चाहिए, वो बात भी आपको समझा दूं। जो रेगुलर भाई मेरे वीडियो देखते हैं, मैंने मेरे पुराने वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने के लिए अनेक टेक्निक शेयर की है, अनेक वीडियो बनाए हैं मैंने, कि आप कुछ खास तरीके से आपके अवचेतन मन को कोई पॉजिटिव संदेश देते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, मैसेज देने में आप सफल हो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मैसेज स्वीकार कर लेता है, कैच कर लेता है, तो सीधा प्रोसेस चालू कर देता है। आप हर दिन आपके दुख दूसरे को, दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरे को, तो अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अवचेतन मन को ये मैसेज देते हैं, आपके अवचेतन मन को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारे हित क्या है, हमारा अहित किस बात में है, वो कुछ नहीं जानता है, वो अंधा है। आप जैसे मैसेज देते हैं, वो इस प्रोसेस करता है, काम चालू कर देता है वो। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि ऐसी बातों में इसे मज़ा आ रही है, हमें मज़ा आ रही है, तो हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं बननी चालू हो जाती है कि जो घटना से हम दुखी होते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दुख को शेयर ना करें, सभी को ना बताए, माता पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, इनके साथ दुख बताए, आपके कोई गुरुदेव है, इष्ट को, भगवान को दुख बताए। मैंने कई ऐसे लोग देखे जहाँ भी खड़े रह जाते हैं, जानते हैं नहीं जानते, पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, घर की बात, दुख की बात, बहू की बात, सास की बात, बस शेयर करना चालू कर देते हैं। दोस्तों, आज ऐसा ही एक प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये प्रयोग आप करते हैं और ये प्रयोग करने के बाद आप ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को देने में सफल हो जाते हैं, तो आपको भी भाग्य का साथ अवश्य मिलता है, आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। आने वाली कल को आप और अच्छी बना सकते हैं, आने वाले समय को, आने वाले वक्त को आप और अच्छा बना सकते हैं। आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जानकारी में आप रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र अर्ज करता हूँ, कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे। दोस्तों, आधी सेकंड का काम है,
परिवार से जुड़े हुए जो भाई बहन है वो तो जय श्री राम लिखते हैं, मगर कुछ बाहर से लोग आते हैं, वीडियो देखने के बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि बकवास है, कुछ नहीं होता है। तो आपने, मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, आपने एक मैसेज आपके अवचेतन मन को दे दिया, वो भी लिख कर दे दिया कि कुछ नहीं होता है। लाख कोशिश करें, कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मैसेज का कैच कर लेता है, आपने लिखा है वो कि कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेंगे आप। लाख कोशिश कर लो, नहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि आप लिख कर देते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि सिर्फ जय श्री राम लिखे। कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं मुझे, कुछ वीडियोस में बनाता हूँ माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, तो कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं जो बाहर से आते हैं, परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं वो लोग, और मैं वैसी कमेंट तो पढ़ता भी नहीं और जवाब भी नहीं देता हूँ। मुझे लिखते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो गई, आप करोड़पति बन गए, तो आप मेरा एक वीडियो बताएं कि मैंने कौन से वीडियो में बोला है कि मैं गरीब हूँ, मैं रोड़पति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कौन से वीडियो में मैंने बताया है, सब कुछ है मेरे पास और जितना होना चाहिए उससे भी अधिक है। मेरा घर, मेरा परिवार, जो रेगुलर व्यूअर है, मैंने अनेक वीडियोस में मेरा घर बताया है, मेरा परिवार बताया है, एक नहीं तीन तीन घर बताए हैं मेरे। कमेंट करें, अच्छी करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, आप लिखते हैं, तो आपके मन में वो बीज को आप बोते हैं, तो जो बीज में से अंकुर होगा आपके मन में होगा, जो पौधा होगा आपके मन में होगा, जो पेड़ होगा आपके मन में होगा, जो फल आएंगे वो आपको ही चखने पड़ेंगे। ये बात समझाता हूँ, मानते हैं नहीं मानते हैं आपकी मर्जी की बात है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे ये नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, निःशुल्क कर रहा था, फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज से तंग आकर मुझे ये फीस रखनी पड़ी। तो आप सभी को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज प्लीज़ ना करें। कुछ तो लंबे लंबे वीडियोस भेजते हैं जो कुछ काम के नहीं है मेरे लिए, वो वीडियो मेरे लिए कोई काम के नहीं है, वैसे वीडियो भेजते हैं। ये प्रयोग आप कोई भी धर्म से है, कोई भी प्रांत से है, कोई भी कंट्री से है और कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देना है, हर दिन देना है, लगातार प्रयोग करते रहे, समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आने वाली कल आपने सोची नहीं होगी वैसी ही होगी, आने वाला समय आपने सोचा नहीं होगा वैसा होगा। सुबह उठे तब बेड से नीचे उतरने से पहले आपकी दोनों हथेलियों को घिसना है, गरम करे हथेली को, घिसे हथेली को, जागृत करे, दोनों हथेली आपके चेहरे पे लगाए, मुंह पे लगानी है दोनों हथेली को, गरम हथेली चेहरे पर रखनी है और मन ही मन तीन बार बोलना है, गुड लक, गुड लक, गुड लक।
क्या बोलेंगे? गुड लक, गुड लक, गुड लक। मगर गुड लक बोलने से पहले हथेली को जागरूक करें, गर्म करें। दोस्तों ये प्रयोग आप लगातार करते रहें, हर दिन करें। कोई दिन भूल जाते हैं कोई बात नहीं, मगर कोशिश करें, याद रखें कि सुबह उठकर मुझे ये प्रयोग करना है। दोस्तों आप भी लकी अवश्य होंगे, आप भी भाग्यशाली अवश्य बन जाएंगे। वो बात पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। बस दोस्तों जो भी भाई बहन वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।